हेलो दोस्तों, न्यूज़ फोर यू में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ आपको रेलवे, एसएससी, बैंकिंग व अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से रिलेटेड इंपॉर्टेंट स्टडी मेटल, साथ ही उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण सूचनाएं जो है यहाँ पे उपलब्ध करवाई जाती है। इंपॉर्टेंट रिलेटेड वीडियो आपको यहाँ पे दी जाती है। सो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो आपको पहले जो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसे आपको दबा लेना है। साथ ही दबाने के बाद में आपको जो एक घंटी बटन दिखेगा उसके साइड में, उसे भी आप दबा लीजिएगा, क्योंकि इसी से आपको यहाँ पे रेलवे से जुड़ी पल पल की अपडेट्स और महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट अपडेट्स है वो आपको यहाँ पे उपलब्ध करवाई जाएगी। ठीक है, तो ये काम आप कर लीजिएगा, उसके बाद में बढ़ते हैं हम वीडियो की तरफ। सो गाइस, फाइनली यहाँ पे आप सभी को पता है जैसा कि एनटीपीसी की जो वैकेंसी है वो आ चुकी है और ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक भी अवेलेबल हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे स्टूडेंट्स को बहुत बड़ी आ रही है और वो है पोस्ट प्रेफरेंस की, कि किस हिसाब से हम कौन सी पोस्ट को कहां पर पहले स्थान पर रखें, कौन सी को दूसरे स्थान पर दें, कौन सी को तीसरे स्थान पर दें। ये सबसे बड़ी समस्या यहां पर निकल के आ रही है। सो गाइस, यही समस्या आपकी इस वीडियो में दूर होने वाली है। पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, हो सकता है कि ये वीडियो जो है आपका सिलेक्शन दिला दे आपको। ठीक है, तो पूरे इंपॉर्टेंट वीडियो ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए, हम बात करेंगे दो तरीके के लोग इसमें फॉर्म भर रहे हैं। एक चीज़ आप मान के चलिएगा, इस परीक्षा के लिए दो तरीके के लोग फॉर्म भर रहे हैं, एक तो कंजर्वेटिव उम्मीदवार और एक उग्र उम्मीदवार। ठीक है, और इससे पहले मैं एक और पॉइंट आपको बता दूं। देखिए, यहाँ पे काफ़ी दोस्तों के मन में डाउट आ रहा होगा कौन सी पोस्ट का क्या काम है, यानी कि जॉब प्रोफाइल। मैंने इससे पहले एक वीडियो आपको बना दी है, अगर आपने नहीं देखी है तो इस आई बटन पे क्लिक करके आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें प्रत्येक जो एनटीपीसी की पोस्ट है पोस्ट वाइज आपको यहाँ पे फोटो के साथ बताया गया है कि कौन सी पोस्ट का क्या काम है। ठीक है, तो उसे आप ज़रूर देख लीजिएगा और भी उससे आपकी पोस्ट प्रेफरेंस की जो सिलेक्शन है वो ईजी हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पे अब बात करते हैं इसमें। तो एक तो होगा कंजर्वेटिव उम्मीदवार, एक उग्र उम्मीदवार। अब आपको डिसाइड करना है। तो देखिए, कंजर्वेटिव उम्मीदवार में कौन कौन लोग आएंगे, जो सुरक्षा और आरामदायक नौकरी चाहता है और प्रारंभिक जो परीक्षा है यानी कि सीबीटी फर्स्ट और सीबीटी टू है, उसके बाद में उनको कोई भी परीक्षा नहीं देना चाहते हैं। जैसे कि जो फिजिकल होते हैं, जो साइको वगैरह होते हैं, वो उनको पसंद नहीं है, केवल वो जो है और सुरक्षा भी चाहते हैं अपनी जॉब के अंदर, अपनी मतलब कि जो बॉडी है या फिर अपने खुद की सेफ्टी चाहते हैं और आरामदायक नौकरी मिल जाए उनको, पैसे वैसे की जरूरत नहीं है उनको। ठीक है, तो ये हो गई कंजर्वेटिव श्रेणी। दूसरी श्रेणी में वो लोग आ रहे हैं जिनको अधिक पैसा चाहिए, बस उनको पैसा ही दिखता है और कुछ नहीं चाहिए, उनको कोई भी नौकरी की परवाह नहीं है, उनको कितने भी साइको फिजिकल करवा लो वो उनको देने के लिए तैयार हैं, और उनको कितने भी मतलब कि कहीं पे भी नौकरी, उनको कहीं पे भी जॉब दे दो, कहीं पे भी उनको कोई सा भी ऑफिस में बिठा दो। ठीक है, उनको बस पैसा मिल जाए अधिक, एक तरीके के इस तरीके के लोग हैं। अब आपको डिसाइड करना कि आप इन दोनों कैटेगरीज में कौन सी कैटेगरी के लिए डिजर्व करते हैं। आपको बस ये यहाँ पे मन में बिठा लेना है कि मेरे को ये कैटेगरी चाहिए, मैं इस कैटेगरी में आता हूँ या फिर मैं इस कैटेगरी में आता हूँ। इसी के आधार पर यहाँ पे जो सेलेक्ट प्रोफाइल, जो प्रेफरेंस है, पोस्ट प्रेफरेंस, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, महिलाओं की भी मैं साथ में डिस्कस करने वाला हूँ, पुरुषों की भी साथ करने वाला हूँ, मेल फीमेल दोनों की अलग से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे जो पहली प्रेफरेंस में जो लोग आ रहे हैं, यानी कि अगर आप इसमें आ रहे हैं तो उसकी मैं बात करता हूँ पुरुषों के लिए, और ये भी पुरुषों के लिए बात करेंगे पहले, उसके बाद में महिलाओं की बात करेंगे। तो देखिए, अगर आप पहली कैटेगरी में आ रहे हैं और आप पुरुष हैं, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, स्टेशन मास्टर सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये करना है आपको, पहले प्रेफरेंस पर देनी है। दूसरे नंबर पर आपको दे देना है यहाँ पर ये जो CA वाली पोस्ट है, कमर्शियल अप्रेंटिस की। ठीक है, तीसरे नंबर पर आपको देनी है ट्रैफिक असिस्टेंट की अप्रेंटिस की पोस्ट, और चौथे नंबर पर आपको दे देनी है जो ECRC वाली पोस्ट है, इंक्वायरी कम रिजर्वेशन कलर की पोस्ट। ठीक है, पांचवे नंबर पर आपको दे देनी है गुड्स गार्ड की पोस्ट, और छठे नंबर पर आपको देनी है सीनियर कलर कम टाइपिस्ट की पोस्ट, और सातवें नंबर पर दे देनी है आपको JAA की पोस्ट, आठवें नंबर पर आपको रख देना है जो ट्रैफिक असिस्टेंट है इसको, और नवे नंबर पर रख देना आपको सीनियर टाइम कीपर को। ठीक है, ये उन लोगों के लिए हैं जो पहली कैटेगरी में शामिल रखते हैं अपने आप को इस कैटेगरी में। ठीक है, और ये पुरुषों की बात की है मैंने। अब महिलाओं को भी मैं बता देता हूँ कि जो पहली कैटेगरी में शामिल हैं महिलाएं, उनको कौन सी पोस्ट प्रेफरेंस देनी है। देखिए, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको देना है स्टेशन मास्टर को। ठीक है, उसके बाद में आपको रखना है जो क्लर्क, जो कमर्शियल अप्रेंटिस है इसको रखना है, उसके बाद में आपको ECRC वाली पोस्ट रखनी है। ठीक है, इंक्वायरी कम रिजर्वेशन कलर की, और उसके बाद में आपको रखनी है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट रखनी है, और उसके बाद में आपको JAA की पोस्ट रख देनी है। ठीक है, उसके बाद में आपको रखना है TA वाली, ट्रैफिक असिस्टेंट की रखनी है, और आफ्टर देन आपको रख देनी है यहाँ पे ट्रैफिक असिस्टेंट की, और लास्ट में यहाँ पे आठवें नंबर पर रखना है आपको सीनियर टाइम कीपर की, और लास्ट में रखनी है आपको गुड्स गार्ड की।
ये यहाँ पे आउटडोर का वर्क पोस्ट है, तो आपको इनको लास्ट में रखना है। ये महिलाओं के लिए बताई है मैंने, जो आरामदायक नौकरी चाहती है और उनको पैसे वैसे की ज़्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। वैसे देखिए पैसा इनमें भी खूब है, जो पोस्ट प्रेफरेंस पहले ही बता रहा हूँ मैं, इनमें भी खूब है, लेकिन ये उनकी कंपेरिजन में, जो यहाँ पर हम जो अलग पोस्टेज हैं उनके कंपेरिजन में इनमें थोड़ा कम है, ठीक है। अब यहाँ पे जो दूसरी कैटेगरीज में जो पुरुष आते हैं, पुरुषों की बात कर रहे हैं, महिलाओं की नीचे बात करेंगे, ठीक है। तो सेकंड जिनको पैसा चाहिए, उनको बस पैसा दिखता है और उनको कोई सा भी काम करवा लो, कहीं पे भी करवा लो, तो उनके लिए ये एक पोस्ट है, ठीक है। तो देखिए उनको क्या करना है, पुरुषों को पहले तो स्टेशन मास्टर दे देना है, ठीक है। उसके बाद में दूसरे नंबर पर उनको दे देना है ट्रैफिक अप्रेंटिस की पोस्ट दे देना। तीसरे पर आपको दे देनी है गुड्स गार्ड वाली पोस्ट। चौथे पे आपको दे देनी है कमर्शियल अप्रेंटिस की पोस्ट। और पांचवे पे आपको दे देनी है ट्रैफिक असिस्टेंट की पोस्ट, ठीक है। छठे पे आपको रखना है ECRC को। और सातवे पे आपको रखना है सीनियर कलर कम टाइपिस्ट को। और आठवें पे रखना है आपको जो JAA की पोस्ट है इसको। और लास्ट में आपको रख देना है सीनियर टाइम कीपर को, ठीक है। ये आपका मेल कैंडिडेट्स के लिए हो गया, ठीक है, जो अपने आपको सेकेंड श्रेणी में शामिल किया है जिन्होंने, ठीक है। उसके बाद में जो महिलाएं जिन्होंने अपने आप को सेकंड श्रेणी में शामिल किया है, जो जॉब कहीं पे भी कर सकती है, पैसा चाहिए बस उनको, तो उनके लिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं महिलाओं के लिए। तो उनको सबसे पहले क्या करना है, स्टेशन मास्टर देना है टॉप पे, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आपका जो होगा सेकेंड पे, वो होगा TA वाला, ट्रैफिक अप्रेंटिस की होगी। उसके बाद में थर्ड होगा आपका ECRC होगा। और फोर्थ होगा आपका यहाँ पे CA वाला, कमर्शियल अप्रेंटिस को होगा। और फिफ्थ होगा आपका यहाँ पे जो सीनियर कलर कम टाइपिस्ट है ये होगा। छठा होगा JAA का। और सातवां हो जाएगी आपकी गुड्स गार्ड वाली, ठीक है। उसके बाद में आठवीं हो जाएगी आपकी यहाँ पे ट्रैफिक असिस्टेंट की। और नवीं हो जाएगी आपकी सीनियर टाइम कीपर की। ये इस तरीके से यहाँ पे महिलाओं के लिए हैं, जिनको केवल पैसा चाहिए, जॉब कहीं पे भी कर लेंगे, उनको आराम की जरूरत नहीं है, ठीक है, उनके लिए ये पोस्ट है। सो गाइस यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज मैंने बता दी है सारी चीज़ें, और उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे एक और सवाल बस आपके मन में आ रहा होगा कि कौन से जोन से मुझे फॉर्म भरना चाहिए, ठीक है। तो ये जोन भी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि कौन से जोन आपके लिए सूटेबल होगा, किस जोन से आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो वो वीडियो आपको जल्दी मिलने वाला है, बस बेल आइकन जो घंटी बटन है उसे दबा के रखिएगा सब्सक्राइब करके, तो जल्दी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और वो जो जो प्रोफाइल वाली वीडियो है आपने नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, और जो आई बटन है वहाँ पे भी लिंक मिल जाएगा, ठीक है, उससे भी आप देख लीजिए। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।